अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर फिफ्थ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 24 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27 को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ जो है वो क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू के होंगे, स्टेटमेंट वाले कुछ परपेचुटी के क्वेश्चन होंगे। सो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रीड आउट करता हूं, आपको भी क्वेश्चन शो हो रहा होगा। वैल्यू ऑफ एन्युटी वर्सेस अ सिंगल अमाउंट। अज्यूम दैट यू जस्ट वन द स्टेट लॉटरी। योर प्राइस कैन बी टेकन इधर इन द फॉर्म ऑफ $40,000 एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 25 ईयर, दैट इज 10 लाख ओवर 25 ईयर, और अ सिंगल अमाउंट ऑफ $5 लाख पेड इमीजिएटली। आपने एक लॉटरी विन की है जिसमें आपको दो कंडीशन है, या तो आज ही आप पेमेंट ले सकते हो जो कि आपको मिलेगी 5 लाख, या आप 25 साल तक हर साल 40,000 रुपये आपको मिलता रहे। आप दोनों में से कौन सी ऑप्शन लोगे, ये उसने पहली स्टेटमेंट बताई है। फिर वो कहता है नंबर 1A पे आपने जो फाइंड आउट करना है, इफ़ यू एक्सपेक्ट टू बी एबल टू अर्न 5% एनुअली ऑन योर इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर, अगर आप 25 साल तक आपको 5% उस पर इंटरेस्ट रेट मिले, इग्नोरिंग टैक्सेस एंड अदर कंसिडरेशंस, विच अल्टरनेटिव शुड यू टेक एंड वाई। आप कौन सा अल्टरनेटिव लोगे और क्यों उसको चूज करोगे, सबसे पहले तो हमने ये बताना है। सो दोनों अमाउंट्स आपको बता दी, 40,000 रुपये फ्यूचर वैल्यू बता दी, या आपको 5 लाख रुपये आप ले सकते हो, दोनों उसने अमाउंट्स बता दी हैं। मीन्स कि अगर आपको हर साल के आखिर पे 40,000 रुपये मिले, ठीक है, एक अल्टरनेटिव उसने आपको ये बता दिया, इसका मतलब वो फ्यूचर वैल्यू आपको बता रहा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट फाइंड आउट करना है। आपने ये देखना है कि हमें आज इन दोनों को कंपेयर करते हुए कौन सा अल्टरनेटिव लेना चाहिए, कौन सी अमाउंट को आज लेना चाहिए, या कौन सी अमाउंट की वैल्यू ज़्यादा बनती है, किस अमाउंट की तरफ हमें मूव करना चाहिए। सो इसका मतलब फ्यूचर उसने बता दी 40,000 जो कि आपको मिलेगा, तो आपको आज प्रेजेंट फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमने इसको लिख लेते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 25, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें CF कैश फ्लो, जो कि आपको 40,000 मिलेगा, ओके। और उसके बाद R आपको उसने कहा है कि आपको 5% अगर उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता रहे, और थर्ड जो है वो नेक्स्ट N हमारे पास होता है जो कि है 25 ईयर्स, 25 साल तक, ठीक है। हमने ये बताना है कि कौन सा अल्टरनेटिव हमें जो है वो बेस्ट रहेगा। ये ए कंडीशन है इस क्वेश्चन की, ए वाली कंडीशन हम सॉल्व करें। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, 25 साल है तो एन्युटी है, स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स है, ठीक है। और ये 40,000 भी आपको उसने फ्यूचर वैल्यू बता दी हुई है, तो प्रेजेंट आपने फाइंड आउट करनी है एन्युटी के साथ। तो उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, CF ओवर R 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस R की पावर है N, ये हमारे पास है एट द एंड ऑफ ईयर्स, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ ईयर्स मिल रहे हैं। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर्स होगा तो हम 1 प्लस R यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहीं सॉल्व करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को। CF हमारे पास कितना है, 40,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे 40,000 डिवाइडेड बाय R, हमारे पास 5% है तो 0.05 आ जाएगा। फिर हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.05 पावर लगेगी 25। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 40,000 वाले को, 40,000 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 लाख, ठीक है, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 1 ओवर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1.05 की पावर लेंगे हम 25, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3.3863, ओके। नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स 8 लाख, उसके बाद है 1 माइनस, अब हमने इसको डिवाइड करना है 1 डिवाइडेड बाय 3.3863, तो ये हमारे पास आता है 0.2953। हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बताया है कि हम जो है वो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर देंगे 1 माइनस 0.2953, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7047। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 लाख के साथ, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास कितनी आएगी, 5,63,760। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है, 5,63,760 रुपए जो हमारे पास वैल्यू आई है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी आ चुकी है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 5,00,000 इमीडिएटली पे हमें मिल सकता है उस लॉटरी का, या हमें हर साल 40,000 रुपये मिले 25 साल तक, तो हमने अपनी वैल्यू 5% इंटरेस्ट रेट पर फाइंड आउट करनी। कौन सा अल्टरनेटिव हमें इनमें से बेस्ट रहेगा चूज करना, तो हमें जो अल्टरनेटिव रहेगा वो ये वाला रहेगा, क्योंकि 5,63,760 रुपए हमें इसमें से मिलेंगे। अगर हम आज ही पेमेंट ले लेते हैं तो उसमें हमें मिलेगा 5,00,000 रुपया। ठीक है, एक तो ये चीज़ हमने बतानी थी और हमने बता दी। हम बताएंगे कि वी आर चूजिंग दिस अल्टरनेटिव बिकॉज इट्स हैव द ग्रेटेस्ट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, हमने ये उसको बता दिया फर्स्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास जो इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट बी पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं वुड योर डिसीजन इन पार्ट ए चेंज इफ यू कुड अर्न 7% रादर देन 5% ऑन योर इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 25 years एंड वाई। अगर वो कहता है क्या आपका डिसीजन चेंज होगा अगर आपको 5% की बजाय 7% उस पर इंटरेस्ट रेट हो, तो क्या आपका डिसीजन चेंज होगा और क्यों चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्यों चेंज होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बी। हम बी को फाइंड आउट करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट 5% यहाँ पे पहले मिल रहा था 5%, अब वो कहता है कि अगर आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिले तो तब आपका ये आप क्या डिसीजन मेकिंग करोगे। ठीक है, तो ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अब हम इसमें अमाउंट्स पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा 40,000 सेम जैसे हमने पहले किया है, और यहाँ पे 0.05 की बजाय अब क्या हो जाएगा 0.07 आ जाएगा। ठीक है, 07 इसी तरह से 1 - 1/0.07 पावर आ जाएगी इसकी 25 है। ठीक है, उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इक्वल्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 0.07, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,71,428। ठीक है, 0.57 है तो हम इसको 429 कर देंगे। ओके, 1 माइनस, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1.07 की पावर आ जाएगी 25, तो ये हमारे पास आएगा 1/5.4274। गॉट इट, अब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी को इसको सॉल्व करेंगे 571429, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 1/5.4274। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम ताकि आपको समझ भी आ जाए, 1 - 0.1842। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इक्वल्स 429, अब हम इसको माइनस कर देंगे 1 - 0.1842, तो ये हमारे पास आता है आंसर 0.8158। इसको अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी हमारे पास आ जाएगी 5,71,429 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4,66,171। ये हमारे पास क्या आ गया, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी आ गई किसके साथ, 7% इंटरेस्ट रेट के साथ। यहाँ पे हमने 5% के साथ फाइंड आउट की तो आया 5,63,760, यहाँ पे हमने फाइंड आउट की तो 4,66,171 आया। अब डिफरेंस क्या आया, हमने यहाँ पे कहा कि हम इस वाले अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे, हम इमीडिएटली वाले अल्टरनेटिव को चूज़ नहीं करेंगे 5,00,000 को। अब अगर देखा जाए, अगर 7% हमें इंटरेस्ट रेट मिले और हमारी जो वैल्यू हमें 40 इयर्स के बाद ये बनती है प्रेजेंट वैल्यू, अगर हम हर साल 40,000 रुपये लें 7% इंटरेस्ट रेट पे, तो हमें कितने मिलेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की इतनी बनती है, तो हम इस अल्टरनेटिव को अब चूज़ नहीं करेंगे। अब हम किसको चूज़ करेंगे, वो 5,00,000 इमीडिएटली लमसम अमाउंट हम उस लॉटरी की ले लेंगे। तो ये हमने रीज़न भी बता दी और हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। अब हमारे पास जो इस क्वेश्चन में उसने पूछा है, सी रिक्वायरमेंट है, ऑन अ स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक बेसिस अप्रॉक्सीमेटली व्हाट अर्निंग रेट वुड यू इन डिफरेंट बिटवीन द टू प्लान। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि इन डिफरेंट, जिसमें आप जो है वो बाइस नाउ कौन सा ऐसा रेट है। अब देखें, अगर आप देखें 5% को, उसमें वैल्यू ज्यादा आ रही है 5,00,000 से, अगर 7% देखें तो इसका मतलब हम
6 को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो रेट क्या लेंगे हम, 6। आप एक दफा 6 को रेट को लेके देखिएगा, अमाउंट आपकी फिर भी ज्यादा आएगी 5 लाख से। आपकी अमाउंट अगर आप सी पोर्शन में यहां पे लिख रहा हूं, सी है, ठीक है, उसमें हमने इन डिफरेंस रेट फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा कि 5% पे आंसर आपका ज्यादा था, 7% पे आपका 5 लाख से कम आंसर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 6% इंटरेस्ट रेट लेके इसको सेम सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आपके पास फिर भी आंसर जो आएगा 5,11,000 समथिंग आपका आंसर आएगा, वो भी ज्यादा है 5 लाख से, ठीक है। तो आपने एक ऐसा रेट फाइंड आउट करना है जो कि आपका जो इनडिफरेंस रेट हो, ठीक है, जो आपकी वैल्यू को इक्वल लेकर आए 5 लाख के, तो वो कौन सा रेट हो सकता है, हमने ये बताना है बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5,06% के साथ, 5,11,000, और एक वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 5 लाख की। तो आपने इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाना, जो कि मैंने आपको कैपिटल बजटिंग में समझाया हुआ है, IRR करते वक्त इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में इंटरपोलेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपने रेट किस तरह से निकालने, ठीक है। तो आप वो रेट निकालेंगे तो आपके पास 6.25 या 24 रेट जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये इनडिफरेंस रेट होगा जो जिसके साथ आपका आंसर 5 लाख आएगा, जो दोनों में इक्वल रेट होगा। ऐसा कोई रेट आपने बताना था जिससे जो है वो दोनों तरफ आपका इक्वलाइजेशन आ जाए, इनडिफरेंस रेट, तो वो ये आएगा आपका, ठीक है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो वैसे मैंने आपको बता दिया 6.24 आएगा, ठीक है। अगर आपको वो जानना है तो वो इंटरपोलेशन के फॉर्मूले से वो निकल आएगा, ठीक है। चले, ये इंडिफरेंस रेट भी हमने आपको बता दिया, अगर फिर भी कन्फ्यूजन होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट करें, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, परपेचुटीज फाइंड आउट करना है। अगर आप किसी इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखें मेरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में पड़े हैं, तो उसमें मैंने बताया हुआ कि परपेचुटी को कैसे फाइंड आउट करना है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ, समझाया हुआ। परपेचुटी क्या होता है कि एक जिसमें आपको नंबर ऑफ ईयर्स गिवन नहीं होते, वो इनफिनिट टाइम पीरियड होता है, वो लातदाद लामहदूद टाइम पीरियड होता है, उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है परपेचुटीज को फाइंड आउट करने का, इसमें मैं आपको इन डिटेल नहीं बता रहा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई हुई हैं, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। आपको लिंक भी मिल जाएगा, उधर जाके देख लीजिएगा, ऊपर शो हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहां पे अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वह 26। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, परपेचुटीज फाइंड आउट करना है, ठीक है, परपेचुटीज ये हमने फाइंड आउट करना है। और उसने सिंपल आपको निकाल के भी बता दिए हैं, केसेस बता दिए ए बी सी। सबसे पहले तो परपेचुटीज का फॉर्मूला देख लें, एक बात यहाँ पे माइंड में रख लें कि परपेचुटीज के अंदर हम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसमें कोई फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जाती, इसमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो परपेचुटीज का मतलब यह है प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे किस तरह से, सी एफ कैश फ्लो डिवाइड बाई आर या आई इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल इसका फॉर्मूला है, उसने केसेस आपको दिए हैं, केस ए दिया है यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे। सी एफ उसमें कितना दिया है, एनुअल अमाउंट जो लिखा हुआ है, सी एफ इसको बोलते हैं, कैश फ्लो जो है वो है $20,000, ठीक है। ये 20,000 है डिवाइडेड बाय आर भी उसने आपको दिया हुआ है 8%, तो ये कितना आ जाएगा 0.08, ठीक है। आपने इसको डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेना है, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 0.08, तो हमारे पास आ जाएगा 2,50,000, ओके। इसका मतलब ये होता है परपेचुटीज का कि आपको जो है वो 20,000 रुपया इनफिनिट टाइम पीरियड तक मिलता रहेगा, अगर आज आपके पास इतने पैसे हो, 2,50,000 रुपये आप डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, परपेचुटीज इसको बोलते हैं, तो आपको इनफिनिट टाइम पीरियड तक इतने पैसे जो है वो मिलते रहेंगे हर साल, इसको हम कहते हैं परपेचुटी। उसके बाद है बी को, बी है, बी में उसका कितना है, 1 लाख है कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर भी उसने दिया है जो कि है 6%, 0.6 इक्वल करेंगे हम इसको। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपको मैंने दिखाया है पहले, उसमें से मैं केसेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन को पहले नोट कर लें सारे को, फिर उसके बाद इन सारे केसेस को अपनी नोटबुक पे साथ साथ सॉल्व करते जाएं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट उसने दिया हुआ है इसमें 10% है, तो 10% है तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख, 1 लाख को अब हमने डिवाइड करना है 0.1 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 लाख, ठीक है, ओके।
ये हमारे पास 10 लाख अमाउंट जो है वो आ चुकी है। इतनी अमाउंट हो तो आपको हर साल 1 लाख रुपया मिलता रहेगा, ये आपने फाइंड आउट करना था। आगे सी केस है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी केस। सी केस का कैश फ्लो कितना है मैं आपको बता देता हूँ, वो है 3000, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी शो हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आर कितना है, आर इसमें गिवन है जो कि है 6%। उसके बाद डी केस है, डी केस में कैश फ्लो कितना है, वो है 3000। सी एफ गिवन है 3000 का और आर गिवन है आपको 5%। ये अब आपने दोनों सॉल्व करने, इसी तरह फॉर्मूले में लगा कि यहाँ आपने इनके सेम आगे आंसर निकाल देना है। तो इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको समझ लें। जो चीज़ नहीं समझ आती आप वो मुझसे पूछ लें। इसके बाद अब हम क्वेश्चन कर लगे हैं नेक्स्ट, वो भी परपेचुटी का ही क्वेश्चन है, आपकी बुक में 27 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27, इसको अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि क्रिएटिंग एन एंडोवमेंट, आपको शो हो रहा है क्वेश्चन, क्रिएटिंग एन एंडोवमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ हर इंट्रोडक्टरी फाइनेंस कोर्स, मरला ली वाज सो प्लीज्ड विद द अमाउंट ऑफ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग नॉलेज शी गेन दैट शी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स हु वर वेल्दी एलोमनाई ऑफ द यूनिवर्सिटी शी वाज अटेंडिंग टू क्रिएट एन एंडोवमेंट। द एंडोवमेंट इज अलाउ थ्री नीडी स्टूडेंट टू टेक द इंट्रोडक्टरी फाइनेंस कोर्स ईच ईयर इन परपैचुटी। वो थ्री नीडी स्टूडेंट्स हैं, वो परपैचुटी में इस कोर्स को ले सकते हैं। द गारंटीड एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्यूशन एंड बुक्स फॉर द कोर्स इज 6000 पर स्टूडेंट, और उनकी जो एक की कोर्स कॉस्ट है वो है $600 हैं, ठीक है। तो थ्री स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब 1800 हो जाएगी। द एंडोमेंट विल बी क्रिएटेड बाई मेकिंग अ सिंगल पेमेंट टू द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी को हम एक पेमेंट करेंगे जिससे वो हर साल उनको इन्फिनिट टाइम पीरियड तक जो है वो थ्री स्टूडेंट ये अफोर्ड कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट्स टू अर्न एग्जैक्टली 6% पर ईयर ऑन दीज फंड, ठीक है। अब वो ए नंबर वाली क्वेश्चन कहता है, वो कहता है हाउ लार्ज एन इनिशियल सिंगल पेमेंट मस्ट मारलाज पेरेंट मेक टू द यूनिवर्सिटी टू फंड द एंडोमेंट। वो इस एंडोमेंट को हासिल करने के लिए मारलाज के पेमेंट को कितनी सिंगल अमाउंट पे करनी पड़ेगी कि तीन बच्चे जो हैं वो 600 की वो इन्फिनिट टाइम पीरियड तक उनको वो एंडोमेंट जो है वो मिलती रहे, वो कोर्स मिलता रहे। तो इसमें सिंपल वही मैंने आपको बता दिया सर, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ही डिफिकल्ट होता है कि फाइंड आउट करना। इसमें एन नहीं दिया, वो उसने खुद भी बता दिया कि परपैचुटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे हम लिखेंगे सी एफ जो कि हमें गिवन है 600, थ्री स्टूडेंट्स हैं तो ये कितना हो जाएगा $1800 हैं, ठीक है। उसके बाद आर उसने गिवन है, आर उसने बताया ए इक्वेशन के अंदर जो कि हमारे पास है 6% उसने बताया, ठीक है 6%। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे परपैचुटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। परपैचुटी की हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप यहाँ पे जिस भी तरह से लिख लें इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 0.06, आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है सिंपली डिवाइड करने के बाद। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1800 डिवाइडेड बाय 0.06, तो 30,000 की जो पेमेंट है उसको इमीडिएट पेमेंट करेंगे तो उनको जो है वो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई है आपकी 30,000। अगर आज वो करते हैं तो तीन स्टूडेंट जो है वो इन्फिनिट टाइम पीरियड तक उनको ये सर्विस जो है वो मिलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि वट अमाउंट वुड बी नीडेड टू फंड द एंडोमेंट इन द यूनिवर्सिटी कुड कैन अर्न 9% rather than 6% पर ईयर ऑन द फंड। अगर वो 6 की बजाय 9% चार्ज करे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, इसको अब हम 9% पे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, परपैचुटी लिख लें साथ, पी लिख लें, ठीक है, एन लिख लें, जिस भी तरह से 1800 है सेम डिवाइडेड बाय 0.09 हो जाएगा। तो अब हम इसको करेंगे 1800 डिवाइड बाय 0.09 तो ये आ जाएगा 20,000। अगर 9% इंटरेस्ट रेट हो तो आपको कितनी अमाउंट उनको जमा करवानी है मरलाज के पेरेंट को, वो है 20,000 इमीडिएट पेमेंट। इसको कहते हैं हम परपैचुटी। परपैचुटी के ये क्वेश्चन थे, आप इसको नोट कर लें। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है इन थ्री क्वेश्चन के अंदर आप उसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।